नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं टीएससी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूं आपके साथ इंकिया। ये नजर डालते हैं आज की खबर पे। सीधी झीला के विकासखंड मझौली से गजरी जा रही यात्रियों से भरा ऑटो अनबैलेंस होकर ग्राम खमहड़ई में पलट गया, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों द्वारा डायल 100 को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस डायल 100 की सहायता से घायलों को मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां उपचार के बाद 4 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण जिला चिकित्सालय सीधी के लिए रेफर कर दिया गया है। बता दें कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की उदासीनता के कारण हो रहे सड़क हादसे, अभी 9 दिन पहले ऑटो के ही एक्सीडेंट से 2 लोगों की जान गई थी। इसके बावजूद मझौली पुलिस द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ऑटो चालक मझौली थाना के सामने से ही 15 से 20 सवारी लेकर धड़ल्ले से जाते हैं। यहां तक कि ज्यादातर ऑटो में नौसिखिए ड्राइवर रहते हैं, जिस कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। इतने हादसे के बावजूद भी पुलिस प्रशासन की नहीं खुल रही है नींद। अब क्या और बड़े हादसे के इंतजार में है पुलिस प्रशासन? आखिर कब खुलेगी प्रशासन की नींद? मझौली से हमारे संवाददाता कमलेश्वर सिंह की रिपोर्ट। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएससी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।